हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 8 अगस्त 2018 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन को लेते हैं जो मैंने आपसे किया था। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों में तकरीबन कितने लाख पद खाली हैं? सही आंसर है 24 लाख। तकरीबन सभी लोगों ने कमेंट में सही आंसर दिए हैं। देखिए, खाली पदों का बहुत बड़ा आंकड़ा है जबकि भर्तियां बेहद कम हो रही हैं। तो अब 8 अगस्त का करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दें। वीडियो को हजारों लोग देखते हैं लेकिन 1000 लाइक भी नहीं हो पाता है, तो आप लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन होगा, दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? आंसर है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। इसे भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी बेस्ट ने स्थापित किया है। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया 5 अगस्त को। तो सवाल उठता है कि पहले से यूज हो रही बैटरी और थर्मल बैटरी में क्या फ़र्क है? तो देखिए, नॉर्मली हम लोग लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन में, लेकिन इसमें एनर्जी को साल, 2 साल या 10 साल के लिए स्टोरेज नहीं किया जा सकता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है। जबकि थर्मल बैटरी में एनर्जी को लंबे समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है, सालों के लिए और बहुत कम स्पेस में। तो इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में रिपोर्ट आई है। कहा गया है कि एक बार चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिक बस को 800 किलोमीटर तक दौड़ाया जा सकता है। बड़ी बात है। तो ऐसे में उस जगह पर जहाँ बिजली है ही नहीं, जैसे द्वीप या रिमोट एरिया, वहाँ पर इस बैटरी के इस्तेमाल से लंबे समय तक एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। ये भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे सोलर एनर्जी को रात में यूज करने के लिए इन बैटरी का यूज़ हो सकता है। सोलर एनर्जी के स्टोरेज के बारे में तो मैंने उदाहरण दिया है, लेकिन बहुत व्यापक यूज़ है। ये इको फ्रेंडली है और कार्बन एमिशन बहुत कम होता है, जबकि जो कन्वेंशनल बैटरी है, मतलब जो परंपरागत यूज की जा रही बैटरी है, उसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले सालों में बहुत चेंजेज आने वाले हैं बैटरी के क्षेत्र में। कई देशों में इस बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में इसे डॉक्टर पैट्रिक ग्लिन ने 2016 में इन्वेंट किया था। अभी अमरावती में दुनिया का पहला थर्मल बैटरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है, लेकिन मई 2019 तक कॉमर्शियली इसे यूज़ किया जाएगा। फिलहाल फर्स्ट स्टेज में टेलीकॉम, मिनी माइक्रो ग्रिड जैसे बहुत सारे सेक्टर के लिए इसमें काम होगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का निधन कब हुआ? आंसर है 7 अगस्त। वो 94 ईयर के थे। वो तमिलनाडु के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और कलाई नार के नाम से मशहूर थे। उनका जन्म आज के तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में एक निम्न वर्गीय परिवार में 3 जून 1924 को हुआ था। करुणानिधि ने 1947 से 2011 तक यानी करीब 64 साल तक फिल्मों के लिए भी लेखन किया। इस मामले में कोई भी नेता उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। फिल्मों के अलावा करुणानिधि ने टीवी सीरियल के लिए भी स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे थे। वो द्रविड़ आंदोलन से जुड़े थे। द्रविड़ आंदोलन जो है वो हिंदू धर्म की किसी भी ब्राह्मणवादी परंपरा और रस्म पर यकीन नहीं रखता है, और इसी की वजह से अब उनके दफनाने की बात हो रही है और जगह को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। तो द्रविड़ आंदोलन से निकलकर एम करुणानिधि अपने 6 दशक के राजनीतिक करियर में सबसे ज़्यादा समय तक राज्य की सियासत के एक ध्रुव बने रहे। 50 साल तक अपनी पार्टी डीएमके के प्रेसिडेंट भी रहे। सामाजिक क्षेत्र में भी उनका बहुत योगदान रहा है। आखिरी समय में करुणानिधि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बुढ़ापे में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ग्रहण की है, उनमें महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? आंसर है जस्टिस इंदिरा बनर्जी। देखिए, 7 अगस्त 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने अदालत कक्ष में आयोजित परंपरागत समारोह में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस के एम जोसेफ को पद की शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म की शिकार पीड़िता का मीडिया द्वारा इंटरव्यू और धुंधली फोटो भी दिखाने पर रोक लगा दी है? आंसर है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामला।
ये बालिका गृह ही वो बिहार में है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 7 अगस्त को सुनवाई शुरू की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में हर तरफ दुष्कर्म ही दुष्कर्म हो रहा है, हर 6 घंटे पर एक लड़की से दुष्कर्म होता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में अब 14 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। तो अदालत ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एक साल में 38,947 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। ये संख्या परेशान करने वाली है। आप लोगों के लिए भी ये जो आंकड़ा है ये इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर्स के लिहाज से। तो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, दीपक गुप्ता और KM जोसेफ। एक और बात कि मुजफ्फरपुर जैसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आया है। यहाँ भी नारी संरक्षण गृह में रहने वाली महिलाओं को जबरन देह व्यापार में धकेला गया। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में CBI जांच किस हाईकोर्ट की देख रेख में होगी? आंसर है पटना हाईकोर्ट। देखिए, चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की बेंच ने 6 अगस्त को ये आदेश दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चीन ने पहले हाइपरसोनिक विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? आंसर है जिंग कांग 2 या स्टार डी स्काई 2। यह परीक्षण 3 अगस्त 2018 को चीन ने किया है। ये परमाणु हथियार ले जा सकता है और किसी भी मौजूदा पीढ़ी के एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली में भेद कर सकता है यानी प्रवेश कर सकता है। तो इसे रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 10 मिनट बाद हवा में इस विमान को रिलीज कर दिया गया और ये उसके बाद स्वतंत्र रूप से उड़ता रहा। बड़े कोण घुमावदार बनने के बाद लक्षित क्षेत्र में ये लैंड कर गया। ये हाइपरसोनिक विमान मैक 5.5 से 6 की गति के साथ 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने अपने लिए अलग लोक सेवा आयोग बनाए जाने के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर है दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के लिए अलग से लोक सेवा आयोग के गठन के लिए जो विधेयक था वो पारित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इनमें से कौन से संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने पारित किया है? आंसर है 123वां संविधान संशोधन विधेयक। अक्सर संविधान संशोधन संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकसभा ने इस विधेयक को 6 अगस्त को पारित कर दिया। इस तरह विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानूनी रूप से प्रभावी हो जाएगा। तो इसे क्या बदलेगा? तो देखिए, आयोग अब किसी भी OBC जाति को केंद्रीय सूची में शामिल कर सकेगा। OBC के उत्थान को लेकर बनने वाली सभी योजनाओं में इसकी भागीदारी होगी। अब तक वो बाहर से मूक दर्शक की भूमिका में था, बस ऐसे ही बना हुआ था एक OBC आयोग, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। आयोग को अब दंड देने का भी अधिकार होगा, जैसे अभी SC ST आयोग के पास है। अगला क्वेश्चन है, सेना ने देश में 19 राज्यों में मौजूद 62 छावनियों यानी कैंटोनमेंट को किस रूप में बदलने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को सौंपा है? आंसर है विशेष मिलिट्री स्टेशन। देखिए, सेना चाहती है कि देश भर की सभी छावनियों को समाप्त कर दिया जाए ताकि इनके रख रखाव पर होने वाले खर्च से बचा जा सके। इस संदर्भ में प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है। रक्षा राज्य मंत्री ने इस संबंधित जानकारी संसद में दी है। दरअसल छावनियों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और अतिक्रमण को रोकने के लिए इसी वर्ष यानी 2018-19 के लिए 476 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो ये रक्षा बजट पर बहुत बड़ा भार है ऐसा माना जा रहा है। और देश में करीब 2 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली है छावनियाँ और लाखों सैन्य और सिविल आबादी वहाँ रहती है। शेष जगहों पर मिलिट्री स्टेशन है, एयरबेस है, नेवल बेस है, DRDO लैब है, फायरिंग रेंज है और कैंपिंग ग्राउंड है। तो कैंटोनमेंट के जिस इलाके में सिविलियन आबादी रहती है उसको नगर निगम को देने का प्रस्ताव है। हालांकि इस मामले में रिपोर्ट आते ही विवाद शुरू हो गया है। सेना के ही जो रिटायर्ड अधिकारी लोग हैं
उन्होंने सवाल उठाया है कि इस सुझाव के पीछे रियल एस्टेट का मामला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर अब रियल एस्टेट डेवलपरों के लिए ज़मीन नहीं बची है और ये अब कोशिश हो रही है कि उनको ज़मीन दे दी जाए इस बहाने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित साक्षरता परीक्षा में 96 ईयर की कार्ति यानी अम्मा भी शामिल हुई, जो यह परीक्षा देने वाली राज्य की सबसे उम्र दराज महिला है, ओल्डेस्ट वुमेन। आंसर है केरल। ये एग्ज़ाम 5 अगस्त को हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी स्वास्तिका घोष और सिंगापुर की जिंगी जोग की जोड़ी ने हांगकांग जूनियर एवं कैडेट ओपन 2018 में जूनियर लड़कियों के युगल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। 4 अगस्त को उन्होंने ये पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के रॉयल थाई आर्मी के साथ इंडियन आर्मी ने हाल ही में युद्धाभ्यास शुरू किया है, उसका नाम बताएं। आंसर है मैत्री मिशन 2018। भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के बीच 6 अगस्त 2018 से 14 दिवसीय संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है थाईलैंड के चोचो एग साओ प्रांत में। इसके लिए इंडियन आर्मी का 45 सदस्यीय दस्ता थाईलैंड गया है। अगला करंट अफेयर्स है, SC ST अत्याचार निरोधक संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। बिल के प्रावधानों के तहत अब FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन होगा, हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली किस कंपनी के निजीकरण के लिए ONGC निदेशक बोर्ड और केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? आंसर है पवन हंस। इसमें 51% हिस्सेदारी जो है वो सरकार के पास है और 49% हिस्सेदारी ONGC के पास है, तो ONGC के निदेशक बोर्ड ने हाल ही में पवन हंस में अपनी समूची 49% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ये फिर से मुहर लगाई है, इससे पहले भी ये प्रस्ताव पारित हो गया था लेकिन उसमें कुछ खामी रह गई थी, तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले इस प्रस्ताव को फिर से पारित किया है। सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी बेचने के लिए पहले ही फैसला कर चुकी है, तो इसके साथ ही पवन हंस में 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए संशोधित प्रस्ताव पेश करने का रास्ता अब साफ हो गया सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन है, एशियन नेशंस चेस कप 2018 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर है ईरान। ये 2 वर्ष पर होने वाला टूर्नामेंट है और इसका आयोजन ईरान के हमदान में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक हुआ है। इसमें भारत ने 5 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। कुल रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत की महिला टीम ने इस श्रेणी में वियतनाम के खिलाफ स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो 2019 में कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? आंसर है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को कब लॉन्च करेंगे? आंसर है 21 अगस्त। देखिए, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है अभी हाल ही में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने के लिए ये 21 अगस्त को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB लॉन्च करेंगे। प्रत्येक जिले में देश भर में 648 शाखाएं लॉन्च की जाएंगी। सरकार IPPB सेवाओं के साथ सभी 1.55 लाख डाकघर शाखाओं को जोड़ देगी। इसकी वजह से यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के लिए 5 लाख रुपए के जीवन बीमा योजना की घोषणा की है? आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन होगा, 10 अगस्त 2018 को नीति आयोग किस शहर में द्वीपों के समग्र विकास के निवेशकों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है न्यू दिल्ली। सम्मेलन का उद्घाटन नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत करेंगे। इससे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इको टूरिज्म परियोजनाओं के सतत विकास के लिए निवेश बढ़ेगा। कार्यक्रम के पहले चरण में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के 10 प्रायद्वीपों को सर्वांगीण विकास के लिए चुना गया है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत ने 7 अगस्त को 300 से ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स को लगभग दोगुना करते हुए 20% कर दिया है। चीन की ओर से बढ़ते आयात पर रोक लगाने के मकसद से ये फैसला किया गया है। अब करंट अफेयर्स का अगला वीडियो कल मॉर्निंग 5 बजे आएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। साथ में ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में,
और साथ में ये भी कि आपका क्या सुझाव है इस वीडियो के बारे में, क्या क्या कुछ और चेंजेज हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी वहाँ मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, एक और बात कि अगर आप पहली बार YouTube चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन है इसे भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।